हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन पैटीज़ की। चिकन पैटीज़ के लिए जो हमें अज्जा चाहिए वो हैं पफ पेस्ट्री एज नीडेड, जितनी आपको पफ पेस्ट्री की ज़रूरत है। मैंने जो है वो हाफ के जी ली है। आपको जितनी पैटीज़ चाहिए उसके मुताबिक आप पफ पेस्ट्री ले सकते हैं। चिकन पैटीज़ की फिलिंग के लिए जो अज्जा चाहिए वो हैं बोनलेस चिकन हाफ के जी, ऑयल 1.5 टेबल स्पून, अनियन 1 मीडियम साइज, जिंजर पाउडर 1 टी स्पून, गार्लिक पाउडर 1 टी स्पून, ब्लैक पेपर 1 टी स्पून, वाइट पेपर 1 टी स्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर 1 टी स्पून, कॉर्नफ्लोर पेस्ट 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑयल को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करूँगी। अब इसे हम 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टी स्पून। जिंजर पाउडर 1 टी स्पून ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन को जस्ट मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करें कुछ इस तरह से अच्छे से। अब इसमें काली मिर्च डालेंगे 1 चाय का चम्मच। अब इसमें सफ़ेद मिर्च डालेंगे 1 चाय का चम्मच। नमक डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच। चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच। कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच डालेंगे पेस्ट बना के। 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, उसे 1 प्याली में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसकी एक पतली सी पेस्ट बना लेंगे। फिर इसे हम कुछ इस तरह से अपने इस फिलिंग में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब कुछ इस तरीके से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें। ये हमारी फिलिंग पैटिस की तैयार है। ये मैंने बाजार से बनी बनाई पफ पेस्ट्री ली है। अब मैं सबसे पहले थोड़ा सा फ्लोर पे मैदा डस्ट करूंगी। इस पे पफ पेस्ट्री को रख के अब मैं अच्छे से बेलूंगी। मैं तब तक पफ पेस्ट्री को बेलती रहूंगी जब तक इसकी एक दरमियानी सी लेयर ना बन जाए। अब इस साइड से अब मैं गोल बिस्किट कटर या अगर आपके पास कोई गोल ढक्कन है उससे आप इसके इस तरीके से गोल सर्कल्स जो है वो कट कर लेंगे पैटीज के लिए। अगर आपके पास पैटीज कटर है तो और भी अच्छी बात है, आपको आप उससे डायरेक्टली बना लें। मेरे पास पैटीज कटर नहीं था, इस वजह से मैं इसको बिस्किट कटर से इस तरह से काट रही हूँ। एक पैटीज में 2 पफ पेस्ट्री की लेयर्स लगती हैं, तो मैंने यहाँ टोटल 14 सर्कल्स जो है वो कट किए हैं, तो इससे मेरे टोटल 7 पैटीज बनेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये गोल सर्कल्स में जो पैटीज की जो टॉप लेयर होगी हमारी उस पर मैं इस तरीके से कांटे से निशान बना रही हूँ। इस तरह ही सब सब लेयर्स पे आप निशान बना लें। अब मैं जो पैटीज की बॉटम लेयर है उस पर पानी लगा रही हूँ इस तरह से, सब पे इसी तरह पानी लगाएंगे। अब मैं इसमें फिलिंग ऐड करूंगी। आपने इसमें फिलिंग की जो आपकी फिलिंग की जो क्वांटिटी होगी वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, बल्कि एक दरमियाने साइज़ की आपने फिलिंग इसमें इस तरीके से ऐड करनी है। पैटीज पे इसी तरह हम फिलिंग कर लेंगे। अब जो इसकी टॉप लेयर है उसको हम इस पे इस तरीके से रख देंगे, सब पैटीज की इस तरह से आ जाएगी।
अब हमने एक छोटे साइज का सर्कल ले, बिस्किट कटर में जो सबसे छोटे साइज का सर्कल होगा आप वो ले लें, नहीं तो आप किसी बॉटल का कैप भी ले सकते, वो भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इस तरीके से इस पे डिजाइन सर्कल हल्का हल्का ले देंगे। आपने बहुत जोर से प्रेस नहीं करना, मैंने बहुत जोर से प्रेस की जिसकी वजह से ये पेस्ट्री यहाँ से कट गई। आपने इसको बहुत जोर से प्रेस नहीं करना ताकि पेस्ट्री ना कटे, जस्ट आपने उसके ऊपर हल्का सा जो है वो डिजाइन आने देना है सर्कल का। अब मैं इसको बेकिंग ट्रे पे रखूंगी और फिर इस पे अंडा लगाऊंगी। ये देखें अब इस पे हम अच्छी तरीके से अंडा लगा लेंगे। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप दूध में येलो कलर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके तो वो भी आप इस पे ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर आप इस पे डायरेक्टली अंडा लगा लें। ये देखें इस तरह से हमने सब पैटीज पे अंडा लगा लिया है। अभी हमने सादे पैटीज बनाए हैं, अब हम चीज वाले पैटीज बनाएंगे। उसके लिए हम सेम इसी तरह सर्कल्स कट करेंगे। अब हम उसके इस दरमियान वाले हिस्से को बॉटल के कैप से इस तरीके से निकाल लेंगे। बॉटम लेयर पे पानी लगाएंगे वैसे ही, थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे सब पैटीज पे। अब जो हमारी टॉप लेयर होगी जिसमें से हमने उसका दरमियान वाला हिस्सा निकाला था उसको हम इस तरीके से इस पे रख देंगे। इसको साइड से हल्का हल्का प्रेस करें। अब मैंने एक चीज को अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है, अब मैं वो इस पे इस तरीके से इस सर्कल में ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इस पे टमाटर और शिमला मिर्च चॉप करके लगा सकते हैं, मेरे पास बारीक कटी हुई शिमला मिर्च थी, मैंने इस तरीके से इस पे डिजाइन के तौर पर रख दिया। खाली खाली अगर आप खाली रखना चाहते हैं चीज खाली तो आप खाली भी रख सकते हैं। अब मैं इस पे अच्छी तरीके से अंडा लगाऊंगी साइड्स पे। चीज़ के ऊपर अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट साइड्स पे आप पफ पेस्ट्री पे ही अंडा लगाएंगे, नहीं तो आप उस पे जैसे मैंने आपको पहले बताया आप दूध और कलर भी लगा सकते हैं। अब इसे हम 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। क्रिस्पी से गोल्डन चिकन पैटीज हमारे तैयार हैं। इस तरह की रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे ज़रूर विजिट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।